आपको बताएंगे कि इस घटना से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आक्रोशित हो गए हैं, क्योंकि कई लोग वहां पे बेघर भी हो गए हैं। करीब 90 घर जलकर राख हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लोग पुलिस से भिर रहे हैं, लोग नोकझोंक कर रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पे अगलगी के बाद लोग आक्रोशित हो गए और आक्रोशित लोग आपस में ही भिर गए। पुलिस वहां पे मौके पर पहुंची, पुलिस से भी लोग भिड़ गए और पुलिस से भी आतापाही करने की कोशिश की गई। बता दें करीब 90 घर जलकर राख हो गए हैं और ऐसे में लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। विधायक भी वहां पहुंचे हैं, वहां के स्थानीय विधायक, और विधायक द्वारा दिलासा दिया जा रहा है कि आपको मदद पहुंचाई जाएगी। लेकिन इस घटना के बाद लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। बता दें कि घटना के काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिससे लोगों का आक्रोश काफी बढ़ गया। ऐसे में जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस से ही लोग भिड़ गए। देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे डंडे से पिटाई की जा रही है, लोग आपस में भी भिड़ गए हैं और पुलिस से भी भिड़ने की कोशिश की। बता दें कि पुलिस से हाथापाई की भी कोशिश की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जीटीवी भारत आपको राजधानी पटना के मैनपुरा इलाके की दिखा रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता निषेध जुड़े हुए हैं। निषेध, पुलिस से भी हाथापाई की खबरें सामने आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से थाना प्रभारी वहां पर मौके पर पहुंचे थे और भीड़ काफी हो गई थी, एक तरफ जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, तो वहीं मैनपुरी इलाके में जहां पे आग लगी थी वहां पे काफी संख्या में लोग पहुंच गए। बाहर से भी लोग वहां पे देखने पहुंचे कि क्या स्थिति है वहां पे। तो वहां के जो स्थानीय लोग थे जिनका घर जला था वो काफी आक्रोशित थे, और जो बाहरी लोग आए हुए थे उनसे उनकी हाथापाई हो गई और उस दौरान लाठी डंडे भी चले, और जो थाना प्रभारी पहुंचे थे उनको भी लोगों ने उनका जो स्टार लगा हुआ था उनकी वर्दी थी वो थोड़ा पार दिया, पुलिस वाले पे भी हमला किया गया। तो तमाम तरह की चीजें देखने को मिली, और जो बाहरी लोग थे और जिन लोगों का घर जला था उन दोनों के बीच में ये विवाद हुआ, और पुलिस जब बीच बचाव करने के लिए पहुंची तो पुलिस से भी हाथापाई हुई लोगों की। निषेध, सूचना मिलने के कितने देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची? जब आग लगी उसके करीब आधे घंटे के बाद जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर पहुंची, लेकिन जब टीम मौके पर पहुंची तो आग पर काबू पाने की कोशिश पूरी कर ली गई। लेकिन एक सवाल भी उठता है कि जब आग लगा तो उसके आधे घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। जब फायर ब्रिगेड के अधिकारी थे उनसे हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि एक और जगह पे आग लगी हुई थी, वहां पे सभी गाड़ियां गई हुई थी, इसलिए आने में थोड़ी देरी हुई थी। तो फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने के पहले स्थानीय लोगों ने कह सकते हैं कि आग पर काबू पा लिया था, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लोग उनसे भी हाथापाई करने लगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया निषेध। तो बता दें कि राजधानी पटना के मैनपुरा इलाके की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां भीषण अगलगी में 90 घर जलकर राख हो गए और ऐसे में आक्रोशित लोगों ने पुलिस से भी हाथापाई की। बता दें हाथापाई का कारण यह था कि घटना की सूचना मिलने के बाद भी आधे घंटे की देर से फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची, तब तक स्थानीय लोगों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया था और ऐसे में लोगों में काफी आक्रोश है। और फिलहाल इसी के साथ खबरों के सफर में